हेलो दोस्तों, मैं हूँ दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस के अंदर। 2022 में 6 नंबर का जिनका मूलांक है उनकी हेल्थ कैसी होगी। जी हाँ, हमने अब तक 5 नंबर तक हेल्थ को प्रेजेंट किया है। 6 नंबर, हर वो व्यक्ति जो किसी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को, 24 तारीख को पैदा हुआ, आइदर ऑन 6th ऑफ एनी मंथ, 15th ऑफ एनी मंथ, 24th ऑफ एनी मंथ, जो भी बॉर्न हुआ है उनके लिए 2022 हेल्थ में कैसा होगा। 6 नंबर हो, साल भी तो आपका है 2022, ये भी तो आपका ही साल है ना देखा जाए तो ये साल तो एक किस्म से कहा जाए बहुत अच्छा साल होगा आपके लिए, अच्छी सेहत का साल होगा। लेकिन साथ में कुछ खतरे लेकर आता है ये। 6 नंबर वैसे भी दानव गुरु है, शुक्राचार्य, राक्षसों के गुरु। जो वीनस होता है शुक्र, जिसका यह साल भी है, जिस नंबर की बात कर रहा हूँ, तो शुक्र का जो आपका रिलेशन है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से भी होता है, सेक्स से भी होता है। कहीं ना कहीं अगर कभी आपको सिकनेस आती है तो वो आपके कुछ ऐसे एफर्ट जिसके द्वारा आप अपने दायरे से बाहर निकल जाते हैं और दूसरी जगह फिर आप संबंध बनाते हैं तो वहाँ से बीमारियाँ भी आ सकती हैं आपके पास। तो सेक्सुअल डिसीज़ जो होती हैं, इसको आम भाषा में कहा जाता है, तो उनसे खतरे बढ़े रहते हैं आपको। तो बेहतर ये होगा कि उन खतरों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा और अपने आप को हेल्दी रखिएगा। बाकी अगर उस खास तौर से अट्रैक्शन से आप थोड़ा सा संभाल कर चल सकें खुद को, तो फिर तो पक्की बात है कि आपको बीट करने वाला हेल्थ के मामले में इस साल कोई नहीं होगा। वैसे भी ये साल 90% कोशेंट का साल है 6 नंबर के लिए, वेल्थ में भी, हेल्थ में भी, अपॉर्चुनिटीज़ में भी, और बहुत सारी चीज़ों के अंदर, विदेश जाना हो या पढ़ाई के अंदर हो, तो ये बल्ले बल्ले साल होता है ना, ये वैसा ही कुछ होता है। तो आम भाषा में कहा जाए तो 6 नंबर के लिए हेल्थ जो है बेहतरीन होगी। ख़ास तौर से जो यंगस्टर्स हैं, जो बिल्कुल अभी शादी करने जा रहे हैं या प्रेम में हैं, उनके लिए तो और भी अच्छा है, तो उनके लिए कोई ख़तरा नहीं है। बल्कि मेरी ये गुजारिश होगी कि अपनी हेल्थ को अच्छा रखें ताकि वो अच्छा दिखें, लोग उनको पसंद भी करें और कहीं ना कहीं वो अपना कैरियर भी बना पाए अच्छा बेहतरीन। तो 6 नंबर का वर्ष जो होता है कि ख़ास तौर से वो भी 6 नंबर वालों के लिए तो एक किस्म से बोनांजा है, एक किस्म की लॉटरी है। तो अपने सेहत का ख्याल रखिएगा, लेकिन हाँ, सेक्सुअल डिसीज़ के प्रति सावधान रहिएगा, अपने दायरे से बाहर मत निकलिएगा, और अगर कहीं वहाँ पर कोई छोटी मोटी कोई समस्या हो जाए तो उसको दवाइयाँ लेके ठीक कर लीजिएगा। बाकी कोई मेजर सिकनेस मुझे आपके लिए, ऑफ कोर्स जो बड़े एज ग्रुप्स हैं वहाँ तो, जहाँ इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो वहाँ समस्याएं आ जाती हैं, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं या मिडिल एज हैं उनके लिए समस्याएं बहुत कम हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि समस्या नहीं होती हैं, समस्या तो रहती हैं, लेकिन कंपेरेटिवली चूँकि आपका साल है तो रिकवरी भी फास्ट हो जाती है उसके अंदर। शुक्रिया आपका।